Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today I am going to give you some very important pieces of advice in order to do your best when answering question number 5 part D. So here is a list of the pieces of advice. Number 1, make sure you actually address the question being asked. Stay focused. तो आप question जो पूछा गया है उस पर focused कैसे रह सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एग्जांपल दूंगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी. थिंक केयरफुली अबाउट द पॉइंट्स यू वांट टू मेक, आर दे जनरल और अबाउट पाकिस्तान. ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं, आपने ये देखना है कि क्या ये जनरल पॉइंट्स हैं और आर दे अबाउट पाकिस्तान. तो ये जो है इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है, और आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं विच आर रिलेटेड टू पाकिस्तान. नंबर 3, रिलेट एनी फैक्ट और नॉलेज यू हैव गिवन टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. कि क्वेश्चन के अंदर सम टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई नॉलेज दिया जाता है, तो कोशिश करें उसको रिलेट करें किसी फैक्ट के साथ अपने आंसर में. जी नंबर 4, देखिए, यू आर क्लियर एंड डायरेक्ट इन एनी जजमेंट स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन यू आर मेकिंग. ठीक है, आपने जो जजमेंट दी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. जजमेंट क्या होती है? इवेल्यूएटेड स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, आई एग्री विद व्यू ए मोर, तो दिस मस्ट बी वेरी मच क्लियर. और इसी तरह से जो आप स्टेटमेंट फिर उसके बाद जो पॉइंट अपने जहन में लाते हैं वो उसकी सपोर्ट में, अपनी जो स्टेटमेंट जजमेंट स्टेटमेंट दिया उसकी सपोर्ट में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. और द एग्जामिनर कैन नॉट मेक एग्जम्पशंस अबाउट व्हाट यू मीन. और कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी बस ये तो मैंने तो लिख दिया, ये तो ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है. बाज़ दफ़ा बच्चे ये करके छोड़ देते हैं, ये तो अंडरस्टूड है. लाइक यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर. इसकी मैं मिसाल ऐसे देना चाहूँगा, जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं HYV सीड हाई यील्ड मीन हाई प्रोडक्शन सीड, HYV सीड इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. अब वो कहते हैं कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, बट दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वेयर यू नीड टू डिवेलप दिस पॉइंट. अब वो डिवेलप कैसे करना है? यू नीड टू राइट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द HYV सीड दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन. वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? लाइक HYV सीड हाई क्वालिटी, इट इज हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड कैन सर्वाइव ड्यूरिंग ड्राउट, मेक डबल क्रॉपिंग पॉसिबल. इट्स प्रोडक्शन इज देयरफॉर मोर देन देसी सीड. तो यहां पर यह जरूरत थी कि HYV सीड को हम ये कहकर छोड़ दें कि जी ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और एग्जामिनर अज्यूम कर ले कि जी कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इसकी वजह से, क्योंकि हमने लिख दिया है कि प्रोडक्शन जो HYV सीड से इंक्रीज होती है तो अंडरस्टूड सी बात है उससे इंक्रीज होती है. तो अब आप एग्जामिनर अज्यूम कर ले कि कैसे होती है, ये आपको ही बताना है क्वेश्चन 5 में वेयर डिवेलपमेंट ऑफ पॉइंट इज रिक्वायर्ड. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखिए जी, सपोर्ट एनी जजमेंट एंड स्टेटमेंट विद एक्यूरेट एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एंड और स्टैटिस्टिक्स. एग्जाम्पल जरूर देनी होती है, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम 1 एग्जाम्पल आपने जरूर देनी है. तो वो क्या होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए. वो एग्जाम्पल किसी एरिया की भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन. एरिया की एग्जाम्पल भी हो सकती है, कोई नेचुरल फीचर की भी हो सकती है, कोई ह्यूमन फीचर की भी हो सकती है, और इट मे बी अ स्टैटिस्टिक्स, बट दिस स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी फ्रॉम अ वेरी मच रिलायबल सोर्स. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो रिलायबल सोर्स जो है वो सेंसस होता है. ठीक है, सेंसस 1998, सेंसस 2017, तो ये सेंसस जो है वो रिलायबल सोर्सेज होते हैं. अदरवाइज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन होती है, वो जो है वो सोर्स रिलायबल नहीं होता. तो रिलायबल सोर्स जो भी स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं या आपकी बुक में दी गई हैं वो आप जरूर लिख सकते हैं. मेक श्योर दैट द कॉन्टेंट ऑफ योर आंसर डेमोन्स्ट्रेट द जजमेंट. तो ये कैसे होता है, ये भी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको देखते हैं. ये देखिए जी, अब हम नंबर 1 से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि क्वेश्चन है हमारे सामने 2 व्यू पॉइंट क्वेश्चन. नंबर है जी स्टे फोकस्ड. अब फोकस्ड आप कैसे रह सकते हैं क्वेश्चन पे, कि बाज़ दफ़ा बच्चे लिखते लिखते बहुत दूर चले जाते हैं, उस पॉइंट से ही हट जाते हैं जो आपने लिखना था वो रह जाता है. तो वो कैसे हो सकता है, हम फोकस कैसे रह सकते हैं? देर आर मोर एडवांटेजेस टू पाकिस्तान इन मेंटेनिंग ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज. तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड. जब आप अंडरलाइन कर लेंगे कीवर्ड को फिर आप फोकस्ड ही रहेंगे, अब आप अपने उस कीवर्ड से दूर नहीं जाएंगे. तो इसमें कीवर्ड क्या है जी, देर आर मोर एडवांटेजेस टू पाकिस्तान इन मेंटेनिंग ट्रेड विद EU
यूरोपीय यूनियन, तो इसमें जो कीवर्ड है वो है मेंटेनिंग ट्रेड। अब आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बारे में कुछ भी लिख रहे होंगे तो आप जब ने अंडरलाइन कर लिया आपने कीवर्ड को तो आप इस पे ही स्टिक रहेंगे, इससे दूर नहीं जाएंगे। सो दिस इज अ मेथड टू रिमेन फोकस्ड। जी नंबर टू है पॉइंट्स आर जनरल और अबाउट पाकिस्तान। तो जनरल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आप इसी सवाल का जरा जवाब देखें। जब ये सवाल आया देर आर मोर एडवांटेजेस टू पाकिस्तान इन मेंटेनिंग ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, तो फौरन जहन में जो आंसर आता है बच्चों के वो तीन तरह का होता है। नंबर वन, इट बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर टू, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। नंबर थ्री, फॉरन एक्सचेंज अर्निंग वुड इंक्रीज। तो ये क्या है, दीज आर ऑल जनरल पॉइंट्स। अब इसको पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे नंबर वन पॉइंट था कि बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट हो रही है, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री बूस्ट होगी इससे, तो कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपने कहना है कि बूस्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, वाई क्वेश्चन मार्क है इस पर, उसको डिवेलप कर दें। टेक्सटाइल क्यों, वाई यूरोपियन, बिकॉज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर द मेजर इंपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो दूसरा था क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये जनरल पॉइंट था आपके पास, इसको रिलेट करना है पाकिस्तान के साथ। सो देयर फोर द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वन। नंबर टू, एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राई पोर्ट्स इन फैसलाबाद। तो एग्जाम्पल भी आ गई और जो है हमने बता दिया कि किस तरह से जनरल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया हमने, स्पेसिफिक कर दिया पाकिस्तान के साथ। नंबर थ्री देखिए, रिलेट एनी फैक्ट, फैक्ट को रिलेट करें, अगर कोई क्वेश्चन में कोई फैक्ट दिया हुआ है उसको इसके साथ अपने आंसर में जरूर रिलेट कर दें। एग्जामिनर कांट मेक एक्सेप्शंस, इसकी मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल पहले दे चुका हूं। नंबर फाइव, एक्यूरेट एग्जाम्पल और स्टैटिस्टिक्स, इसकी बात भी हो गई कि एक्यूरेट एग्जाम्पल दें और स्टैटिस्टिक्स दें, और जजमेंट जो है वो आपकी कंटेंट के साथ मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि व्यू ए आई एग्री दैट पाकिस्तान वुड बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर ट्रेड लिंक विद चाइना, उसके बाद जो है आप चाइना के साथ ट्रेड करने के दो बेनिफिट देते हैं, जबकि दूसरे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके बारे में आप बताते हैं, यस बट देर आर ऑल्सो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग विद यूरोपीय यूनियन, और उसके पांच एडवांटेजेस दे देते हैं और उसको डेवलप कर देते हैं। तो क्या हुआ, आपने तो इसको फेवर किया था, आर्गूमेंट आपने इवेल्यूएशन इसकी दी थी, तो अब क्या हो गया, आपने जबकि जो है व्यू बी को ज़्यादा डिटेल के साथ फेवर कर दी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप व्यू ए को अगर एग्री कर रहे हैं तो इसके ही फेवर में पॉइंट्स दी दीजिए और इसके प्रॉब्लम बता दीजिए, ताकि ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। तो जो जजमेंट दी है उसको फेवर करें, उसकी फेवर में पॉइंट दें, और जो दूसरा व्यू बी है उसके अगेंस्ट में पॉइंट लिखते चले जाएँ, ठीक है। इस तरह से आपका ये जजमेंट और कंटेंट सेम हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि इसमें जो है वो बच्चे जो अक्सर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक साइड को, व्यू ए को फेवर कर रहे हैं तो उसी को डेवलप करते हैं और दूसरे को डेवलप नहीं करते, इसलिए जो है वो मैक्सिमम दे कुड रीच अप टू 3 marks ओनली, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एरर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली एड्रेसिंग वन पॉइंट ऑफ व्यू। वन पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस करते हैं, उसी को पॉइंट देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसी की एग्जांपल देते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा लिखा और छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वली आपने डेवलप करना है। इक्वली से मुराद ये है कि अगर आप तीन पॉइंट, बेहतर ये होता है जो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि तीन पॉइंट फेवर में दें और दो अगेंस्ट में दे दें, तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और आखिर में इवेल्यूएटेड स्टेटमेंट दे दें या शुरू में इवेल्यूएटेड स्टेटमेंट दे दें कि विच पॉइंट ऑफ व्यू यू एग्री विद मोर, लेकिन दोनों को डेवलप करना जरूरी है। जी थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज ऑन द एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान पेपर 2। अल्लाह हाफिज़।